पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करता है। कोई भी व्यक्ति आना चाहे वो आकर ईवीएम को हैक करके दिखा दे, वहां तो जाना नहीं और उसके बाद बाहर आके चिल्लाना। तो ये कुछ कुछ वैसा हो गया कि किसी भी छात्र से कहा जाए कि परीक्षा भवन में आइए और प्रश्न पत्र दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। नहीं जी मैं तो परीक्षा भवन में जाऊंगा नहीं, बाद में कहूंगा नहीं 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 वो मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था और मुझे तो पास घोषित कर देना चाहिए था। अच्छा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ईवीएम पे सवाल उठाने वाले कितना अद्भुत सवाल उठाते हैं कि पंजाब में ईवीएम अच्छा काम करती, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है, हिमाचल में अच्छा काम करती, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाती है, और दिल्ली में अच्छा काम करती, यूपी में गड़बड़ हो जाती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में सही काम करती, 2023 में गड़बड़ हो जाती है, और कर्नाटक में 2018 में गड़बड़ थी मगर आश्चर्यजनक रूप से 2023 में बहुत अच्छी हो जाती है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए। अनुराग जी देखिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है, देखिए ये राजनीतिक तूतू मैमे से ऊपर है। आप लोग रामलीला मैदान में रैली करते हैं, पीछे लिखते हैं सवाल तो सुनिए लोकतंत्र बचाओ रैली, ठीक है, है? चुनाव आयोग का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बंद करें लोग, क्योंकि इससे मतदाता के मन में तरह तरह की शंकाएं और भ्रम पैदा होते हैं, वो भ्रमित होते हैं, वोटिंग परसेंटेज घटती है, लोकतंत्र को इससे बड़ा डिससर्विस क्या किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कम से कम आप लोग ईवीएम पर शक पैदा करना बंद करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी एक चीज मान के आप चलिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी खूबसूरती से झूठ बोलती है। आज सुधांशु जी सत्ता पक्ष में उनकी आवाज बदल गई है। अब कैसे आवाज उनकी बदली? यही सुधांशु जी को याद होगा 2010 में जीवेल नरसिंह राव ने किताब लिखी थी ना, जिसमें आडवाणी ने क्या लिखा था कि जर्मनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है, वहां भी ईवीएम यूज नहीं होता है। अरे देवा ये गड़बड़े बाबा। दूसरी लाइन उन्होंने लिखी थी कि अमेरिका में 50 स्टेटों में 32 स्टेटों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ईवीएम पे सवाल किसने उठाया था सबसे पहले? आप बोल लो मैं अटक। मजा आया आडवाणी जी ने उठाया था और आज आप उनको भूल गए। हाँ वो बात दूसरी मार्गदर्शन मंडल में आपने डाल दिया है तो भूल तो जाएंगे ही आप तो वो सब भूल चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कहा था पहले? भारतीय जनता पार्टी पहले मुद्दे क्या होते थे? पहले भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होते भ्रष्टाचार। अंजना जी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पकड़िएगा, भ्रष्टाचार। और आज मुद्दा क्या हो गया? भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आना, उनको पाक साफ कर देना। लवणे न भोजन ये बिक गई है गवर्नमेंट। यही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होता था? परिवारवाद। आज भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा परिवारवाद नहीं है, क्योंकि परिवारवादियों के साथ वो सत्ता चला रहे हैं, हर जगह परिवारवादियों के साथ सत्ता चला रहे हैं और परिवारवादियों के साथ कि उन्होंने कितनी टिकटें दी है इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये क्या कहते थे उस समय? महंगाई बहुत है। भैया मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा सुधांशु जी, 28,000 रुपए पर तोला मिलता था सोना, आज 80,000 रुपए पर तोला है। ना किसान सोना खरीद सकता है, ना आम जनता खरीद सकती है, ना गरीब खरीद सकता है, कौन खरीद रहा होगा? धन्ना सेठ लोग खरीद रहे होंगे जिनपे 80,000 तोला खरीदने की जिनकी ताकत होगी। किसने छीना है ये हक? आपने छीना है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। Now to rest. Purple water. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म। आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं। नोटबंदी से किसने छीना था यह हक? नोटबंदी जब आपने की थी, आपने नोटबंदी में कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? उन जो घरों में जो महिलाएं रहती थी उनका जो अपना जरूरतमंद का पैसा था वो भी सब छीन के आपने निकाल लिया। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। अब चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने छीना है, आपने छीनने का काम किया है। चाहे रेलवे हो तो आपने प्राइवेटाइज किया, चाहे एयरपोर्ट हो तो प्राइवेटाइज किए, एयरलाइंस हो तो प्राइवेटाइज किए, आपने जितनी या पब्लिक सेक्टर यूनिट थी कितनी आपने पीएसयू को प्राइवेटाइज किया है। क्यों आप छीन रहे हो? दे कुछ नहीं रहे आप जनता को, जनता को दे रहे तो पता है क्या आप? नफरत। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, खत्म।